हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी बेसन की सब्जी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए और बेल का बटन आप जरूर दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसे मैं थैंक यू बोलती हूँ। और देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। और जब आपको समझ में नहीं आया कि क्या बनाना है तो आप बनाइए ये सब्जी, बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो आप बनाइए और देखते हैं इसमें क्या लगता है। तो ये मैंने ऑयल लिया है, जितना ज़रूरत होगा उतना लेंगे, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। और एक टेबल स्पून मैंने मिर्ची पाउडर लिया है, एक टेबल स्पून हरा धनिया लिया है, मैंने इसे साफ करके कट कर लिया है, और एक टेबल स्पून राई लेंगे, एक से दो चुटकी हम हींग लेंगे, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, और दो टेबल स्पून लेमन जूस लिया है मैंने, नींबू का रस, और एक टेबल स्पून मिर्ची का पेस्ट, एक टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, और ये मैंने दूधी लिया है लौकी, एक छोटा लिया है मैंने, उसे अच्छे से छील के कट कर लिया है। ये मैंने लौकी लिया था ऐसे छील के कट कर लिया है, और एक छोटा दूधी लिया है मैंने, और आधा कप बेसन लेंगे, और एक चुटकी गरम मसाला, और दो छोटे चम्मच शक्कर लेंगे शुगर, और एक चौथाई चम्मच हम हल्दी पाउडर लेंगे, आधा कप पानी लेंगे, और हम देखते हैं कैसे बनता है। दूधी को मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, दूधी को ऐसे हम छिलका इसका निकाल लेंगे, और इसे आप कट कर लीजिए ऐसे छोटे छोटे करके, ऐसे से हम बारीक कट कर लेंगे। अब देखते हैं कैसे बनता है। ये गैस को मैंने ऑन कर लिया है और गैस पे पैन रख लिया है, उसमें ऑयल डाल लेंगे, दो टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और गरम होने देंगे। और ये ऑयल गरम हो गया है तो इसमें हम राई को डाल लेंगे और हम इसे भून लेंगे। और अभी इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी भून लेंगे, सॉरी अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाया है मैंने, इसे भून लेंगे। और मेरे इधर बारिश हो रही है बहुत जोर से, तो आवाज़ आ रहा होगा बीच में इसका, बहुत जोर से हो रही बारिश, अभी थोड़ा कम हो गया है, तो इसे भून लेंगे अच्छे से, राई को फूटने दीजिए और इसमें से अच्छे से खुशबू आने लगे, तो अभी इसमें हम दूधी को डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे हम, और गैस को फास्ट कर देंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे। और इसको अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, और बारिश में ये सब्जी बहुत अच्छा लगता है, आप बनाइए और सारी चीज़ मिल जाती है, आप दूधी ले आइए और बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिला लूँगी मैं, मिक्स कर लीजिए। और अभी इसमें हम डालेंगे नमक और पानी, इसमें मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ, और इसके साथ में नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार, और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और तब तक पकाएंगे कि दूधी अच्छे से पक जाए। और इसको अच्छे से थोड़ा देर पकने देते हैं। तो इसमें उबाल आने लग गया है, बॉईल होने लग गया है, तो इसको हम दूधी के पक जाने तक थोड़ा पकाएंगे इसे, तो दूधी अच्छे से गल जाना चाहिए ढक्कन लगा के, तो इसे पका लेते हैं। और अभी हम ढक्कन हटा के देख लेंगे,
और बीच में आप इसे एक दो बार चलाइए और देखिए दूधी पक गया है, थोड़ा बहुत बाकी है तो अभी इसी पे हम बाकी की चीज़ इसमें डालेंगे। डालेंगे इसके अंदर बेसन आधा कप, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और इसको हम मिलाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से और इसके साथ में हम इसमें शक्कर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें कोई गुठलियाँ नहीं पड़ने का है और अच्छे से मिलाएंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से सब चीज़ मिक्स हो जाना चाहिए। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को और गैस को एकदम कम रखेंगे। जब इसमें हम बेसन डालेंगे मिलाएंगे तो गैस को कम कर देंगे और मीडियम आंच पे मैंने पकाया है दूधी को और इसको हम थोड़ा पका लेंगे। गैस को एकदम कम रखेंगे और चलाते हुए पकाएंगे, जलना नहीं चाहिए नीचे से क्योंकि बेसन है, बहुत जल्दी नीचे से कढ़ाई में लग जाएगा। तो आप चलाते रहिए और इसे ऐसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और देखिए अभी ये साइड से तेल छोड़ने लग गया है। तो चलाते हुए पकाएंगे हम, नीचे से जले नहीं। और अभी इसमें हम नींबू का रस डालेंगे, जूस 2 टेबलस्पून और इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा रख देंगे गार्निशिंग के लिए। तो इसको मिक्स कर लेंगे और बेसन अच्छे से पक जाना चाहिए। दूधी को आप पका लीजिए, थोड़ा पानी रहे तभी इसमें बेसन को ऐड करें और बेसन को पका लीजिए, कच्चा बिल्कुल ना रहे। तो इसको मैं 2 मिनट और पकाऊंगी। तो इसे पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और देखिए अच्छे से पक गई है सब्ज़ी, क्योंकि साइड से ऑयल छोड़ने लग गए हैं। तो ये हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है और बेसन भी अच्छे से पक गया है, तो सारी चीज़ अच्छे से पक गई है। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, सर्विंग प्लेट में। तो ये मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं दूधी रख दूँगी और हरे धनिए से हम इसे गार्निश कर देंगे। तो ये हमारे लौकी बेसन की सब्ज़ी बनके तैयार है। तो आप बनाइए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। और नई नई रेसिपी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, देखने में जितना अच्छा है उतना खाने में भी टेस्टी है। तो आप बनाइए और अच्छा लगे तो कमेंट करें और फिर से मिलती हूँ मैं नई रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।